दोस्तों हसन, हसन में कौन सा प्रत्यय आएगा? हस प्लस सत, तो ये हो जाएगा दोस्तों हस प्लस सत हसन हो जाएगा अपना। हन प्लस कत क्या होता है? हन प्लस कत क्या होता है ये आपको बताना है। हन प्लस कत क्या? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों हमारे पास आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो दोस्तों ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का पेपर आपका किस प्रकार का आएगा। पर प्लीज़ यार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले। तो चलिए फटाफट बिना समय गवाए देखते हैं 10वीं संस्कृत विषय का पेपर आपका किस प्रकार का आएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। सबसे पहले संस्कृत विषय में आपसे पूछे जाएंगे सही विकल्प, यानी कि यहाँ पर जो सही विकल्प दिए गए हैं इनको पढ़कर आपको इनके आंसर्स देने हैं। धा प्लस कत्वतु क्या होता है? तो ये धृतवान हो जाता है दोस्तों। हसन, हसन में कौन सा प्रत्यय आएगा? हस प्लस सत, तो ये हो जाएगा दोस्तों हस प्लस सत हसन हो जाएगा अपना। हन प्लस कत क्या होता है? हन प्लस कत क्या होता है ये आपको बताना है। हन प्लस कत क्या होता है दोस्तों? ये हता हो जाता है, इसमें ये प्रत्यय हो जाएगा। अगला देखिए, तो क्रीडित्वा इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो क्रीडित्वा में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसमें कत्वा प्रत्यय है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कश्चिता बलिवर्धया क्षणकं कुर्वन्ती स्म, तो ये आपके ये खाली स्थान है, आप सभी को ये भर लेने हैं, आप सभी लोग इनको अच्छे से समझ ले। तो चलिए ये रिक्त स्थान पूर्ति आएंगी। अब चलिए बिना किसी देर के हम सभी के इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिएगा ये इनके आंसर्स रहे, आप सभी लोग इनको नोट कर लीजिएगा। और अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, तो अगले प्रश्न में आपसे ये पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है अधोलिखितेषु प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वा लिखत, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देना है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को पढ़ लेना अच्छे से और इनके उत्तर आपको लिखने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखें तो ये उनके उत्तर यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप सभी लोग यहीं से इन सब के उत्तर नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सब के उत्तर ये यहाँ से आपने नोट कर लिए होंगे सभी, आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हो। और उसी के नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको युगमेलनम कुरुत देखने को मिलेगी, युगमेलनम कुरुत यानी कि जोड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यहाँ से आप जोड़ी को भी नोट अच्छे से कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जोड़ी आपने नोट कर ली होगी दोस्तों। तो ये जोड़ी वाला टॉपिक हो चुका अपना। चलिए अब जोड़ी के बाद में अगर देखें तो ये जोड़ी का आपका सही क्रम है, आप सभी लोग इस जोड़ी को इस क्रम से जमाना सीख लीजिएगा, जिससे कि आपकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्टली जम सके। आगे देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आ, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष ना इति लिखत, तो आप सभी लोगों को इनको पढ़ना है अच्छे से और इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो दोस्तों ये रहे इनके उत्तर, आप सभी लोग इनको देख लेंगे और याद कर लेंगे। आगे देखें तो उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि उचित विकल्पों का चुनाव कर इनको आपको लिखना है। तो आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे बराबर, आप सभी लोग इनको नोट करेंगे दोस्तों। भोजनम अंते इत्यस्य संधि अस्ति, भोजन इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? आप सभी लोग इन संधियों को नोट कर लेंगे बराबर। इसके अलावा कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप लोग इनको भी नोट करेंगे। और दोस्तों ये रहे इनके आंसर्स, आप फटाफट इनको नोट कर लेंगे। ये सभी के यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे। और आगे देखें तो ये दिए गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर आधोलिखितेषु प्रश्न या एकस्य प्रश्न उत्तरम संस्कृत भाषा लिखत, तो आप सभी लोग इनको देखें और नोट करते चले बराबर। ये मोस्ट टाइम भी प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षाओं में 100% आएंगे संस्कृत विषय में। जी हाँ दोस्तों, 100% यही प्रश्न आने वाले हैं की परीक्षाओं में। पर एक बात फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कई पिछले वीडियोज में मैंने कमेंट पढ़े हैं आपके, आपका कहना यह है कि आप जो बताते हो सर उसमें से कम आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि एमपी में अब 4 सेट्स में पेपर आ रहे हैं। अब ये निर्धारण आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वाला सेट मिल रहा है। अलग अलग ज़िले में अलग अलग सेट पूछाए जा रहे हैं, तो आप इस बात को अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। आप जो जो भी वीडियो मैं बनाता हूं, वैसे तो मैं हर सेट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप प्रत्येक वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा हो जो कि आपके ज़िले का हो, आपने कोई दूसरा वीडियो देख लिया होगा और उससे आप भ्रमित हो गए होंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर फिर भी आपको वो वीडियो नहीं मिला है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। पर वीडियो जरूर देखते रहिए, प्रत्येक वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको सभी चीज़ें एक ही बार में समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आधोलिखितेषु नाटकस्य ये आपको पूरा पढ़ लेना है दोस्तों। क्या है पूरा का पूरा, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेकर रख के आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो दोस्तों। मैं फटाफट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि समय काफ़ी कम है दोस्तों, और संस्कृत विषय वैसे भी कठिन है आप सबके लिए, क्योंकि इस साल संस्कृत का सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो आप सभी लोग इनको देख लेंगे और नोट कर लेंगे जरा। और इसके अलावा कुछ प्रश्न ये हैं, आप सभी लोग इनको भी देखेंगे और नोट कर लेंगे। आगे अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, आप देख सकते हो
प्रश्न पत्र समागत श्लोक बिहाई पाठ्यपुस्तक में लिखना है आपको, और उसी के नीचे देखिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्वप्राचार्य कृत्य पंचदिवस का नाम अवकाश प्रार्थना पत्र लिखा, यानी कि इसको पढ़ना है और प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप सभी लोग इसको देख लेंगे दोस्तों, जिससे कि आप सबको ये याद हो जाए। इसी क्रम में आगे देखिए तो आप यहाँ पर देख और समझ सकते हो दोस्तों, ये सारी चीज़ें दी गई है जो कि आगे दिए गए हैं, आप लोग इन्हें भी नोट करेंगे और याद कर लेंगे। तो ये था आपका पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेगा। इसी के साथ में मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा तो शुभकामनाएं देता हूँ और वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।